हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ एक वुमन डिजीज़ जिसका नाम है रिकेट्स या सूखा रोग या सुखंडी रोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिकेट्स। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी पढ़ा होगा। तो यह रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है, आपको पता ही है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस के लवण का उपापचय ठीक से नहीं हो पाता है। जब इनका उपापचय ठीक से नहीं हो पाता है तो क्या होता है, जिसके कारण जो हड्डियाँ होती हैं, हमारी बोन्स होती हैं, उसमें कैल्शियम संचित नहीं हो पाता है। और हड्डियाँ, जिसकी वजह से क्या रह जाती है, हड्डियाँ कोमल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, भंगुर हो जाती है। अतः इसकी पूर्ति के लिए विटामिन डी युक्त भोजन ग्रहण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो विटामिन डी युक्त भोजन के लिए हम क्या करेंगे, विटामिन जो डी है वो किसमें मिलेगा, मछली के तेल, कलेजी यानी जो लीवर वगैरह होता है उसमें, अंडे की जर्दी है, दूध में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो रोगी को उपयुक्त विटामिन डी युक्त भोजन देने के साथ साथ धूप, आपको पता है विटामिन डी जो है वो धूप, सूर्य के प्रकाश से मिलती है, तो भोजन देने के साथ साथ धूप, पराबैंगनी प्रकाश और मरकरी वेपर लैंप में जो रोगी होता है उसको प्रकाश का सेवन कराया जाता है, जिससे रोग से छुटकारा दिलाया जा सकता है। धन्यवाद।